हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 24 एंड 25 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो आज का फर्स्ट एमसीक्यू है, रिसेंटली विच सीएम ऑफ बिहार हैज अवार्डेड भारत रत्न। भारत रत्न अवार्ड्स दिए गए हैं, तो बिहार के कौन से चीफ मिनिस्टर को ये भारत रत्न दिया गया है? तो बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। भारत रत्न अवार्ड कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है, ये पोस्थमसली दिया गया है। कब दिया गया था? 24 जनवरी को। पोस्थमसली का मतलब क्या होता है कि पर्सन की डेथ हो चुकी है, डेथ के बाद अवार्ड दिया जा रहा है। तो जो कर्पूरी ठाकुर जी थे, इनकी डेथ हुई थी 1988 में, फेब 1988 में इनकी डेथ हो चुकी थी। तो अब इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। इनकी बर्थ कब हुआ था? इनका बर्थ हुआ था 24 जनवरी 1924 को। कहाँ पे हुआ था? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में हुआ था। बिहार में ये दो बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। फर्स्ट टाइम जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे, कब बने थे? 1970 में बने थे। उस टाइम पे ये भारतीय क्रांति दल से चीफ मिनिस्टर बने थे, 1970 से लेकर जून 1971 तक, 6 महीने के लिए रहे थे। उसके बाद 1977 में ये चीफ मिनिस्टर बने थे। और जब ये 1977 में चीफ मिनिस्टर बने थे, और उस टाइम पे ये जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, 1977 से लेकर अप्रैल 1979 तक ये चीफ मिनिस्टर रहे थे, सेकेंड टाइम बिहार के, राइट। भारत रत्न की बात करते हैं। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फर्स्ट टाइम ये जो अवार्ड दिया गया था, जब ये अवार्ड बना था 1954 में, ये फर्स्ट टाइम अवार्ड दिया गया था, तो उस टाइम पे हमारे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ये अवार्ड को एस्टेब्लिश करा था 1954 में। ओरिजिनली जब 1954 में ये अवार्ड आया था, तो उस टाइम पे ये लिविंग पीपल को दिया जाता था, मतलब कि जो जिंदा लोग हैं उन लोगों को दिया जाता था। लेकिन 1966 में ये अवार्ड देने का जो क्राइटेरिया था वो चेंज कर दिया गया। चेंज करके ये पोस्थमस अवार्ड देने लगे, मतलब कि लिविंग लोगों को तो मिल ही रहा है, जो जिंदा लोग हैं उनको तो मिल ही रहा है, लेकिन जो पहले जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उनको भी अब ये अवार्ड दिया जाने लगा है उनकी डेथ के बाद। पोस्थमसली मीन्स डेथ के बाद भी ये अवार्ड दिया जाने लगा है 1966 के बाद से, राइट। मैक्सिमम एक साल में 3 भारत रत्न अवार्ड्स दिए जा सकते हैं। मैक्सिमम कितने अवार्ड्स दिए जा सकते हैं? 3। फर्स्ट रिसिपियंट भारत रत्न के, जब 1954 में आया था तो उस टाइम पे 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। कौन कौन से थे? सी राजा गोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सी वी रमन, इन 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था। और तीनों के तीनों ही ये तमिलनाडु से थे, राइट। यंगेस्ट भारत रत्न रिसिपियंट हमारे कौन है? सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर है, 40 ईयर्स की एज में इनको मिला था भारत रत्न 2014 में। और फर्स्ट पोस्थमस रिसिपियंट जो है वो है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, 1966 में इनको ये अवार्ड मिला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड इन बीसीसीआई अवार्ड सेरेमनी। जो बीसीसीआई अवार्ड सेरेमनी है उसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है शुभम गिल को, शुभमन गिल को, राइट। शुभमन गिल को मिला है क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। बीसीसीआई की फुल फॉर्म देख लेते हैं। बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। अब ये जो अवार्ड है, बीसीसीआई अवार्ड है, ये फर्स्ट टाइम हुए थे 2019 में। इसके अलावा जो बीसीसीआई की अवार्ड सेरेमनी हुई है, इसमें एक मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये दिया गया है फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर एंड हेड कोच रवि शास्त्री जी को। ये जो रवि शास्त्री जी है, ये 61 ईयर्स के हैं। इन्होंने इंडिया को 80 टेस्ट एंड 150 ODIs में रिप्रेजेंट किया है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, एंड्रोग्राफिस थानेसिस अ न्यू प्लांट स्पीसीज फाउंड इन विच स्टेट इन इंडिया। इंडिया में रिसेंटली एक नई प्लांट स्पीसीज फाउंड हुई है, एंड्रोग्राफिस थानेसिस। एंड्रोग्राफिस थानेसिस ये स्पीसीज फाउंड हुई है तमिलनाडु में। तो इसका जो नाम पड़ा है, जो थानेसिस नाम है, ये पड़ा है
वहां के एक डिस्ट्रिक्ट के नाम से, तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है थेनी, वहां पे ये स्पीसीज पाई गई है और वहीं से इसका नाम पड़ा है एंड्रोग्राफिस थानेसिस। इसके अलावा एंड्रोग्राफिस स्पीसीज की नाम बात करें तो एंड्रोग्राफिस स्पीसीज जो है इंडिया में टोटल 25 स्पीसीज है, अप्रोक्सीमेटली 25 एंड्रोग्राफी की स्पीसीज है। और ये जो एंड्रोग्राफिस है इसको यूज किया जाता है अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग डिजीजेस के लिए, लाइक कोल्ड से कफ फीवर हो गया, जॉन्डिस, डायरिया, कार्डियोवास्कुलर या हेपेटिक डिजीजेस की ट्रीटमेंट में इनको यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज मेलाथियोन? मेलाथियोन क्या है? मेलाथियोन एक पेस्टिसाइड का नाम है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली पेस्टिसाइड है। इसको यूज किया जाता है लोकस्ट मिनांस के लिए, जो टिड्डी दल अटैक होता है उसको उससे लड़ने के लिए इस पेस्टिसाइड को यूज किया जाता है, राइट। मेलाथियोन एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली पेस्टिसाइड है, इसको एरिड रीजन में यूज किया जाता है, एरिड रीजन के लिए बेस्ट सूटर है। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने 40,000 लीटर्स ऑफ मेलाथियोन अफगानिस्तान को भेजा है। किसके थ्रू? कौन से पोर्ट के थ्रू भेजा है? शाबाहार पोर्ट के थ्रू इंडिया ने 40,000 लीटर्स मेलाथियोन जो है अफगानिस्तान को दिया है, राइट। एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो ये पेस्टिसाइड है, लोकस्ट अटैक से इसको यूज किया जाता है, लोकस्ट अटैक से बचने के लिए इस पेस्टिसाइड को यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री अनाउंसेस फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ वैभव फेलोशिप? वैभव फेलोशिप दी गई है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर दी गई है? ये वैभव फेलोशिप कौन सी मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस किया है वैभव फेलोशिप का? तो इसको अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने अनाउंस किए है वैभव फेलोशिप। 22 साइंटिस्ट को ये वैभव फेलोशिप जो है ये अनाउंस करी गई है। ये वैभव फेलोशिप है क्या? वैभव फेलोशिप दी जा रही है टू अट्रैक्ट इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट बेस्ड अब्रॉड फॉर शॉर्ट टर्म कोलैबोरेशन। इंडिया के साइंटिस्ट इंडिया के हैं लेकिन वो किसी दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका में या यूरोपियन इंस्टीट्यूट्स में जो काम कर रहे हैं उनको ये फेलोशिप दी जा रही है वैभव फेलोशिप। ये इसमें है क्या वैभव फेलोशिप के अंडर? अब ये जो फेलोशिप है ये 22 साइंटिस्ट को दी जा रही है, तो इसके अंडर क्या बोला जा रहा है कि जिनको ये फेलोशिप मिल रही है वो इंडिया में साल में आकर एक या दो महीने इंडिया में आकर रुकेंगे और यहाँ पे काम करेंगे और मैक्सिमम 3 साल तक ये इंडिया में आकर काम करेंगे, इंडिया के इंस्टीट्यूट्स को होस्ट करेंगे, जैसे IIT हो गया, IAS हो गया, तो वहां पे आकर ये जो साइंटिस्ट है काम करेंगे। इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट है जो कि नॉर्थ अमेरिका या यूरोपियन इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं, वो इंडिया में आएंगे, इंडिया में आकर रिसर्च का काम करेंगे, इंडिया के लिए काम करेंगे, साल में एक या दो महीने यहाँ पे रुकेंगे, काम करेंगे इंडिया के लिए, उनको ये फेलोशिप दी जा रही है। और इस फेलोशिप के अंदर उनको क्या दिया जा रहा है? 4 लाख रुपए का मंथली स्टाइपेंड दिया जा रहा है, साथ में रहना खाना सब कुछ फ्री है, राइट। तो फर्स्ट टाइम आई थी जून 2023 में। इससे पहले भी एक स्कीम आई थी वैभव फेलोशिप जैसी ही एक स्कीम आई थी जिसका नाम था वज्र स्कीम, विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी, विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी, वज्र स्कीम आई थी 2018 में, 2018 में ये स्कीम आई थी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो वैभव फेलोशिप है ना ये इंडियन ओरिजिन के लिए है, जो इंडियन ओरिजिन के हैं ये सिर्फ उनके लिए है, लेकिन जो वज्र स्कीम थी ये फॉरनर्स के लिए भी थी, इसमें फॉरनर्स भी आ जाएंगे और प्लस इंडियंस भी है, इंडियन ओरिजिन वाले जो है वो भी आ जाएंगे, फॉरनर्स भी इसमें आ सकते हैं इंडिया में रिसर्च वर्क के लिए। लेकिन वैभव स्कीम के अंडर जो इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट बाहर काम कर रहे हैं वो इंडिया में आकर रिसर्च वर्क इंडिया के लिए करेंगे, इंडिया के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, लाइक IIT हो गया, IAS हो गया, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नितिन गडकरी अनाउंसेस ओवर 200 रोपवे प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹1.25 लाख करोड़ अंडर विच प्रोजेक्ट? कौन से प्रोजेक्ट के अंडर नितिन गडकरी ने रोपवे प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे हैं? 200 रोपवे प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे हैं 1.25 लाख करोड़ के, तो ये अनाउंस किए गए हैं अंडर पर्वतमाला प्रोजेक्ट,
रोपवे प्रोजेक्ट क्या है? रोपवे प्रोजेक्ट से जैसे हिली एरियाज में रोड्स बनाना मुश्किल हो जाता है, तो वहां पे रोपवेज बनाए जाएंगे। जैसे सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो वहां पे रोपवेज बनाए जाएंगे। तो इन्होंने 200 रोपवेज प्रोजेक्ट अनाउंस करे हैं वर्थ रूपीज 1.25 लाख करोड़ के, राइट। तो किसके अंडर ये अनाउंस किए गए हैं? पर्वतमाला प्रोग्राम के अंडर ये अनाउंस करे गए हैं, राइट। और इसकी अनाउंसमेंट कहां पे हुई है? न्यू दिल्ली में एक रोपवे सिंपोजियम कम एग्जीबिशन हुआ था जिसके अंडर ये अनाउंसमेंट करी थी नितिन गडकरी जी ने, जो हमारे रोड मिनिस्टर हैं, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब ये ऐसी बात नहीं है कि ये जो रोपवे प्रोजेक्ट्स है इनकी बात यहीं पे हुई है, अभी हुई है रिसेंटली, इसकी बात 2022-23 के बजट में भी हुई थी। उस टाइम पे भी ये अनाउंस करा गया था कि अनाउंस किया गया था नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला। पर्वतमाला को 2022-23 के बजट में भी अनाउंस किया गया था और रिसेंटली पर्वतमाला के अंडर रोपवे प्रोजेक्ट्स बनाने का जो है अनाउंसमेंट वो किया है हमारे नितिन गडकरी जी ने। अब ये जो स्कीम है ये PPP मोड पे चलेगी, मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर भी होगा और पब्लिक सेक्टर भी काम करेगा, दोनों सेक्टर मिलकर यहाँ पे काम करेंगे और ये काम करेंगे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, हु रिसीव्ड यूपी गौरव सम्मान। यूपी गौरव सम्मान किसको दिया गया है रिसेंटली? डॉक्टर रितु क्रादल श्रीवास्तव को एंड नवीन तिवारी जी को, दोनों को दिया गया है यूपी गौरव सम्मान। तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड सी, ए एंड बी। अब ये कौन है डॉक्टर रितु क्रादल श्रीवास्तव, कौन है ये? जो डॉक्टर रितु क्रादल श्रीवास्तव है ये एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर साइंटिस्ट है, इसरो में सीनियर साइंटिस्ट है और इन्होंने चंद्रयान 3 मिशन को भी लीड किया था। नवीन तिवारी की बात कर लेते हैं, नवीन तिवारी कानपुर के बहुत ही फेमस एंटरप्रेन्योर है, अक्सर कर इनका नाम फोर्ब्स एंड फॉर्च्यून जैसे मैगजीन्स में देखने को मिलता है, इनकी फोटो वहां पे अक्सर कर छपती रहती है क्योंकि ये काफी फेमस बिजनेसमैन है। नेक्स्ट, विच स्टेट सिलेक्टेड फॉर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024? कौन सी स्टेट को सिलेक्ट किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए? तो इसके लिए सिलेक्ट करा गया है उत्तर प्रदेश को। अब उत्तर प्रदेश में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो है उसको सिलेक्ट किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए। और ये जो पुरस्कार है इसको अनाउंस कर किया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी पे, मतलब कि 23 जनवरी को हर साल ये अनाउंस किया जाता है इस अवार्ड को। और ये जो अवार्ड है ये डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में दिया जाता है, और ये जो हॉस्पिटल्स है ना 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में काम करते हैं। और ये जो अवार्ड दिया जाता है ये इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में भी दिया जाता है, मतलब किसी इंस्टीट्यूशन को भी दिया जाता है, और साथ ही साथ इंडिविजुअल कैटेगरी में भी दिया जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल अच्छा काम कर रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में तो उसको भी ये अवार्ड दिया जाता है। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में जो अवार्ड दिया जाता है उसमें 51 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है प्लस एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो इंडिविजुअल कैटेगरी में, मतलब किसी इंडिविजुअल को जो दिया जाता है उसमें 5 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है और प्लस एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब बात करते हैं 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का ये जो हॉस्पिटल है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, ये 1942 में इस्टाब्लिश हुआ था। इसके अलावा 2023 में टर्की में जो अर्थक्वेक आया था तो वहाँ पे भी ये जो हॉस्पिटल है इसको डिप्लॉय किया गया था वहाँ के लोगों को वहाँ से अर्थक्वेक से बचाने के लिए। जैसे कहीं पे भी कोई डिजास्टर होता है तो वहाँ पे ये जो हॉस्पिटल है ये खुद जाता है वहाँ पे, मतलब ये हॉस्पिटल पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है तो वहाँ पे इनकी पूरी टीम पहुँच जाती है लोगों का इलाज करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है, रिसेंटली अ नबीबियन चीता ट्रांसलोकेटेड टू विच नेशनल पार्क अंडर प्रोजेक्ट चीता। नबीबियन चीता है रिसेंटली, उसको ट्रांसलोकेट किया गया है कुनो नेशनल पार्क में। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये जो चीता है इन्होंने रिसेंटली 4 cubs को बर्थ दिया है, 4 छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया है। और चीता का नाम क्या है? ज्वाला। ज्वाला जो चीता का नाम है, इन्होंने 4 cubs को रिसेंटली जन्म दिया है।
अब जो कूनो नेशनल पार्क की बात करें तो कूनो नेशनल पार्क में टोटल नंबर ऑफ चीता कितने हो गए, 26 मेल्स हैं एंड 7 फीमेल्स हैं और 7 कब्स हैं, 7 उनके बच्चे हैं, कब्स मींस जो चीता के बच्चे होते हैं। इससे पहले एक और नामीबियन चीता आशा थी, उन्होंने भी कब्स को बर्थ दिया था। अब बात करते हैं चीता की, चीता का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 92 से 95 डेज का। सबसे जो लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड है, लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड किसका होता है, लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड होता है एलिफेंट का। एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 22 मंथ्स का, राइट। नेक्स्ट है, इंडिया हैज इंपोर्टेड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फॉर विच टू ब्रीड्स ऑफ कैटल, कैटल की कौन सी ब्रीड्स के लिए इंडिया ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इंपोर्ट करा है। तो इंडिया ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इंपोर्ट करा है गिर एंड कंकरेजा ब्रीड के लिए। कैटल की ये दो ब्रीड्स है, गिर एंड कंकरेजा, ये कहाँ की ब्रीड्स है, ये गुजरात की ब्रीड्स है, दोनों ही गुजरात की ब्रीड्स है जिनके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो इंपोर्ट किया गया है। तो कितनी डोजेस इंपोर्ट करी गई है बुल सीमन की, टोटल 40,000 डोजेस बुल सीमन की इंपोर्ट करी गई है। कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करी है हमने, तो ब्राजील से इंपोर्ट करी है फर्स्ट टाइम। कितनी डोजेस, 40,000, कौन सी कंट्री से, तो ब्राजील से। क्यों हमने ये इंपोर्ट किया है, टू बूस्ट मिल्क आउटपुट, मिल्क आउटपुट बूस्ट करने के लिए हमने वहां के बुल का सीमन जो है वो इंपोर्ट किया है। और इसको कंकरेजा और गिर स्पीसीज के लिए इंपोर्ट किया गया है। गिर स्पीसीज गुजरात की है, कंकरेजा भी गुजरात की है। कंकरेजा को ब्राजील में गुजरात बोला जाता है, ब्राजील में कंकरेजा को क्या बोला जाता है, गुजरात, और वहां पे इसको प्योर ब्रीड की फॉर्म में वहां पे वैसे ही मेंटेन किया गया है, राइट। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज साइक्लोन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, साइक्लोन जो एक्सरसाइज, सॉरी इंडिया एंड विच कंट्री, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में एक्सरसाइज साइक्लोन हो रही है, तो एक्सरसाइज साइक्लोन होने जा रही है इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में, राइट। मैंने गलती से अफगानिस्तान बोल दिया था, इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में होने जा रही है एक्सरसाइज साइक्लोन, राइट। अब इजिप्ट में कहां पे हो रही है, अंशास में हो रही है, इजिप्ट में अंशास में हो रही है ये एक्सरसाइज, बिटवीन 22nd ऑफ जनवरी टू 1st ऑफ फरवरी 2024, 22 जनवरी से लेकर 1st फरवरी तक ये एक्सरसाइज होगी। और ये एक्सरसाइज साइक्लोन का सेकंड एडिशन है, एक्सरसाइज साइक्लोन का ये वाला जो एडिशन है ये सेकंड एडिशन है। इंडिया की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट इसको रिप्रेजेंट कर रही है और इजिप्शियन कॉन्टिंजेंट की तरफ से, इजिप्ट की तरफ से इसको 25 पर्सोनल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहाँ के हैं, इजिप्ट के इजिप्शियन कमांडो स्क्वाड्रन एंड इजिप्शियन एयरबॉर्न प्लेटून के ये जो है पर्सोनल्स 25 वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडिया में पैराशूट रेजिमेंट जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज खंजर, एक्सरसाइज खंजर जो है ये कौन सी स्टेट में होने जा रही है, ये हिमाचल प्रदेश में होगी एक्सरसाइज खंजर। एक्सरसाइज खंजर का ये वाला जो एडिशन है ये 11th एडिशन है, 22 जनवरी से लेकर 3rd ऑफ फरवरी तक ये होगी एक्सरसाइज, 22nd जनवरी से 3rd ऑफ फरवरी तक ये एक्सरसाइज होगी। और ये वाली जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है किर्गिस्तान में, सॉरी इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में हो रही है, ये इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में हो रही है, राइट। इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है और ये अल्टरनेटिवली होती है दोनों कंट्रीज के बीच में, जैसे कि एक साल इंडिया में और एक साल किर्गिस्तान में होगी। इंडियन आर्मी की तरफ से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 20 पर्सोनल्स ऑफ द पैराशूट रेजिमेंट एंड किर्गिस्तान की तरफ से 20 पर्सोनल्स बाय द स्कॉर्पियन ब्रिगेड, इनको जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडियन आर्मी लॉन्चेस एन ऑपरेशन टू कर्बिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप ऑन द पीर पंजाल माउंटेन रेंज इन रजौरी पूंछ सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हमारी इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च करा है, कौन सी जगह पे, पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस में, वहां पे ये ऑपरेशन एक लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च करा है, पाकिस्तानी टेररिस्ट को रोकने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति से पहले आया था ऑपरेशन सर्प विनाश, ऑपरेशन सर्प विनाश आया था 2003 में, अभी रिसेंटली आया है ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च करा है इंडियन आर्मी ने।
नेक्स्ट है, इंडिया रिसेंटली ओवरटेक्स विच कंट्री टू बिकम वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन। रिसेंटली हमने कौन सी कंट्री को ओवरटेक किया है, तो हमने ओवरटेक किया है हांगकांग को, और नाउ इंडिया बिकम्स द फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट है, कच्ची खड़क फ्रॉम विच स्टेट रिसीव्स जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, मतलब कि कोई भी चीज जीआई टैग का, जीआई टैग उसको तब दिया जाता है अगर वो वहीं की है, इंडिजिनस है, उसी स्टेट में उसी जगह पे है और कहीं वो नहीं पाई जाती। तो वो जो भी स्पीसीज है या कुछ भी है, कोई फ्रूट नेम है या वहां का कोई डिजाइन है या वहां का कुछ भी है, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। तो रिसेंटली कच्ची खरक क्या है, ये एक डेट्स की स्पीसीज है जिसको जीआई टैग दिया गया है। कच्ची खरक कहाँ की है? ये गुजरात की स्पीसीज है, गुजरात के कच्छ रीजन की ये डेट्स की एक वैरायटी है कच्ची खरक, जिसको जीआई टैग दिया गया है। द प्रेजेंस ऑफ डेट्स इन द कच्छ इज अराउंड 400 to 500 ईयर्स ओल्ड। कच्छ रीजन में ये जो डेट्स की प्रेजेंस है ये 400 से 500 साल पुरानी है, मतलब 400-500 साल से ये डेट्स की जो प्रेजेंस है वहां पे चलती है, 400-500 साल से ये डेट्स वहां पे पाई जाती है। एरिया की बात करें तो डेट पाम कल्टीवेशन का टोटल इंडिया में जितना भी एरिया है उसे 85% से ज्यादा एरिया इसी रीजन में है। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ शास्त्र सीमा बल। शास्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है, तो नाम है दलजीत सिंह चौधरी को। दलजीत सिंह चौधरी ने रिप्लेस करा है अनीश दयाल सिंह को। पहले अनीश दयाल सिंह थे, उनको रिप्लेस करके अब डायरेक्टर जनरल बने हैं शास्त्र सीमा बल के दलजीत सिंह चौधरी। राइट, अब ये जो दलजीत सिंह चौधरी है ये 30th of November 2025 तक रहेंगे शास्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल। शास्त्र सीमा बल ये 1963 में बना था और ये नेपाल एंड भूटान के बॉर्डर पे जो सोल्जर्स हैं वो कौन से हैं, शास्त्र सीमा बल के हैं। ये सीआरपीएफ के अंडर काम करता है शास्त्र सीमा बल। नेक्स्ट है, यूपी दिवस सेलिब्रेटेड ऑन। यूपी दिवस कब मनाया जाता है? 24th of January को। यूपी उत्तर प्रदेश डे मनाया जाता है और ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था 2018 में। उस टाइम पे यूपी के जो गवर्नर थे राम नायक, उन्होंने इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया है। अब बात करते हैं 24th of January की। 24th of January 1950 को जो यूपी है इसका नाम पहले था यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंसेस से इसका नाम बदल के जो छोटे छोटे प्रोविंसेस से मिला के उत्तर प्रदेश ये बन गया था। यूनाइटेड प्रोविंसेस जो क्या था वो क्या बन गया था, उत्तर प्रदेश बन गया था। अब ये 24th of January को बना है, तभी 24th of January को यूपी डे मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश डे जो है मनाया जाता है, यूपी दिवस मनाया जाता है। 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल के उत्तर प्रदेश रखा गया था। इस साल का थीम क्या था? उत्तर प्रदेश रिच स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज। इस साल का जो यूपी डे का थीम था वो क्या था? उत्तर प्रदेश रिच स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज। अगर यूपी के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाली न्यूज जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24th of January को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। 3rd of December 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये अनाउंस करा था इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। तो इस साल का जो इसका थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का वो है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। इसके बाद बात करते हैं नेशनल एजुकेशन डे की। ये इंटरनेशनल एजुकेशन डे था 24th of January वाला, लेकिन नेशनल एजुकेशन डे कब होता है? 11th of November को। राइट, नेक्स्ट है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये 24th of January को होता है ये भी। अब देखो 24th, 5th की न्यूज है तो 24th और 25th January के डेज ही हम डिस्कस करेंगे। तो 24th of January को होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अब नेशनल गर्ल चाइल्ड डे अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है उसके अंडर ये सेलिब्रेट किया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है ये लॉन्च हुई थी January 22, 2015 को।
अब जो बात करते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की, बात चल ही रही है तो बात आती है हमारी इंडिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर की, जो फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर इंडिया की थी, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कब बनी थी ये इंडिया की प्राइम मिनिस्टर? January 24, 1966 को। अब ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू होता है? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2018 से ये सेलिब्रेट करना शुरू किया है। नेक्स्ट डे नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अभी इलेक्शंस आ रही है तो इससे पहले सेलिब्रेट होगा नेशनल वोटर्स डे। 26 जनवरी को होता है रिपब्लिक डे, उससे एक दिन पहले होता है नेशनल वोटर्स डे। इस साल का थीम क्या है नेशनल वोटर्स डे का? तो थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को होता है क्योंकि इसी दिन 25 जनवरी 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन बना था और 2011 से हम इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल टूरिज्म डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को। इस साल का जो टूरिज्म डे का थीम है वो है सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म इंटरिम बजट फर्स्ट टाइम इन द बजट स्पीच। बजट स्पीच के अंदर इंटरिम बजट की जो टर्म है, इस टर्म को फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था? तो नाम है आर के शनमुखम शेट्टी। अब यहाँ पे इंटरिम बजट पे क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि इस साल हो रही है इलेक्शन, लोकसभा की इलेक्शन हो रही है, तो इलेक्शन से पहले आता है इंटरिम बजट। तो एक तो होता है बजट। अब बजट की जो फाइनल प्रेपरेशन होती है, इसकी जो फाइनल स्टेज होती है, तो उस टाइम पे होती है हलवा सेरेमनी। अब इंटरिम बजट जो आ रहा है, तो इंटरिम बजट जिसको वोट ऑन अकाउंट भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है जो ट्रांजिशनल पीरियड है फॉर अ टाइम बीइंग, जैसे कि सरकार बनेगी, सरकार बनने से पहले जो एक दो महीने का टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम पीरियड पे जो भी सरकार ने खर्चे करने हैं वो सारे आते हैं इंटरिम बजट के अंदर। मतलब कि ये जो बजट बनेगा ये सिर्फ एक दो महीने के लिए ही होगा, ट्रांजिशनल पीरियड के लिए है। उसके बाद जैसे ही नई गवर्नमेंट आएगी तो जो प्रॉपर बजट है, पूरा जो एनुअल बजट होता है, वो पूरा बन के तैयार होगा। अब देखो होता क्या है, अब नई गवर्नमेंट आएगी वो अपने हिसाब से बजट बनाएगी, राइट। अभी जो है गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट जो है ये बनाएगी अब इंटरिम बजट एक दो महीने के खर्चे के लिए, राइट। इंटरिम बजट जो है ये 1 फरवरी 2024 को पेपरलेस फॉर्म में रिलीज होगा, और जो फुल बजट है हमारा 2024-25 का जो फुल बजट है, ये इलेक्शन के बाद जब नई गवर्नमेंट बनेगी उसके बाद जुलाई में आएगा, जो हमारा फुल बजट है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना विल बेनिफिट हाउ मेनी हाउसहोल्ड्स। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो आई है ये कितने हाउसहोल्ड्स इसके अंडर कवर हो रहे हैं? इसमें 1 करोड़ हाउसहोल्ड्स का इनका टारगेट है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है इसका टारगेट क्या है, एम क्या है? इसका एम है कि जितने भी हमारे देश के गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, पुअर एंड मिडिल क्लास, वहां के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को कम करना, और साथ ही साथ जो मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया को एनर्जी सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनाना, राइट। अभी तक अगर हम सोलर इंस्टॉलेशन की बात करें, सूर्य उदय योजना है ना, सोलर इंस्टॉलेशन मतलब जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन होती है, जो सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, तो अभी तक सोलर पैनल्स कितने घरों पे है? सिर्फ और सिर्फ 10 लाख हाउसहोल्ड्स में है सोलर इंस्टॉलेशन जो हो रखी है। तो टारगेट कितना है हमारा? 1 करोड़ का, राइट। तो टारगेट 2030 का एनर्जी का हमारा जो है वो कितना है टारगेट? वो है हमारा 500 गीगावाट हमने जो सोलर एनर्जी है वो जनरेट करनी है बाय 2030, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, विच स्टेट एस्टैब्लिश अ मेलानिस्टिक टाइगर सफारी। मेलानिस्टिक टाइगर सफारी ये कौन सी स्टेट इसको एस्टैब्लिश कर रही है? मेलानिस्टिक क्या है? मेलानिस्टिक एक टाइगर की ही किस्म है, राइट। तो मेलानिस्टिक टाइगर सफारी जो है ये कौन सी स्टेट में बनने जा रही है? ये है ओडिशा स्टेट में, राइट। ओडिशा स्टेट में जो सिमलीपल टाइगर रिजर्व है, राइट, सिमलीपल टाइगर रिजर्व से
15 किलोमीटर दूर एक साइट बनाई जा रही है जहां पे जो लैंडस्केप होगा सेम वैसा ही होगा जैसा कि मेलानिस्टिक टाइगर्स को वाइल्ड में मिलता है। तो वैसा ही एक तरह का लैंडस्केप बनाया जाएगा और वहां पे जो मेलानिस्टिक टाइगर्स है उनको रखा जाएगा। जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है यहाँ, ये एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पे मेलानिस्टिक टाइगर्स पाए जाते हैं वाइल्ड में ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे वाइल्ड में मेलानिस्टिक टाइगर्स पाए जाते हैं। अब ओडिशा स्टेट के टाइगर रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। ओडिशा स्टेट में 2 टाइगर रिजर्व्स है, एक है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और दूसरा है सतकोसिया टाइगर रिजर्व, राइट। नेक्स्ट है विच स्टेट ट्रांजिशनिंग फ्रॉम झूम टू सेटल्ड फार्मिंग। झूम कल्टीवेशन क्या होता है, झूम कल्टीवेशन के और क्या क्या नाम है। झूम कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोला जाता है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, या और झूम कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोला जाता है। अब कौन सी स्टेट है जो झूम कल्टीवेशन से शिफ्ट होकर सेटल्ड फार्मिंग की तरफ जा रही है, तो स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश। झूम कल्टीवेशन में क्या होता है कि लैंड का एक पैच लिया, वहां पे कल्टीवेशन कर रहे हैं साल दो साल तीन साल, जैसे ही इस लैंड की फर्टिलिटी कम होगी तो लोग क्या करेंगे, इस लैंड को खाली छोड़कर किसी दूसरी जगह सेम लैंड का पैच लेंगे और वहां पे कल्टीवेशन का काम शुरू कर देंगे। अब जो झूम कल्टीवेशन है इसमें इनको क्या लगा, इसमें इनको लग रहा है कि जो इस तरह से झूम कल्टीवेशन से जो लैंड की फर्टिलिटी है कम होती जा रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे पास इतनी लैंड नहीं है कि हम इस लैंड को इतनी देर तक को खाली छोड़ सके कि ये अपनी फर्टिलिटी फिर से रिटेन कर पाए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसलिए जो झूम कल्टीवेशन है अब उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही। तो इसीलिए जो अरुणाचल प्रदेश के लोग है ये झूम कल्टीवेशन से सेटल्ड फार्मिंग की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। तो इसका जो टाइटल है, इसका टाइटल क्या है, अरुणाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद इमेंस अपॉर्चुनिटीज विद एशियन कंट्रीज। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स डैश अमाउंट फॉर द कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन। कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन क्या होती है, कोयले से गैस तैयार करना। जो कोयले से गैस तैयार करी जाती है वो क्लीन गैस होती है, पोल्यूशन उससे ज्यादा नहीं होता। तो कैबिनेट ने कितना अमाउंट अप्रूव किया है कोल गैसिफिकेशन के लिए, तो आंसर है 8500 करोड़। अब इसमें जो कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन है इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है कैटेगरीज, कैटेगरी 1 के अंदर आते हैं गवर्नमेंट PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, और इनको कितना पैसा जा रहा है, 4050 करोड़। कैटेगरी 2 के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी आ जाता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर भी आ जाता है, और इसको कितना पैसा अनाउंस किया गया है, 3850 करोड़। कैटेगरी 3 में आ जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के, मतलब कि इंडियन टेक्नोलॉजी यूज करके जो प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो इसके लिए कितना पैसा लॉट हुआ है, 600 करोड़ रुपया जाएगा कैटेगरी 3 के लिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन लॉन्च हुआ है। कौन सी मिनिस्ट्री ने यह कैंपेन लॉन्च किया है, कैंपेन का नाम क्या है, हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो ये लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अब ये इनॉग्रेट किसने किया है, ये वाला जो कैंपेन है हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसको इनॉग्रेट करा है जगदीप धनखर जी ने। जगदीप धनखर कौन है, हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है। और इसका थीम क्या है, ये वाला जो कैंपेन है ना ये ऑल ओवर द ईयर चलेगा, पूरा एक साल के लिए चलेगा। तो इसके अलग अलग थीम रहेंगे, जैसे सबको नया, हर घर नया, नव भारत नव संकल्प, विधि जागृति अभियान, ये कुछ इसके टाइटल्स है। नेक्स्ट है व्हाट इज कौशल भवन। कौशल भवन क्या है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है उन्होंने एक नई बिल्डिंग बनाई है न्यू दिल्ली में जिसका नाम है कौशल भवन। तो आंसर है न्यू बिल्डिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कहां पे है ये न्यू बिल्डिंग, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ये बिल्डिंग बनाई गई है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं विच सिटी बिकम्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी कौन सी सिटी को बनाया जा रहा है, तो आंसर है हमारा कोची केरला। कोची कहां पे है, केरला में।
तो कोच्चि को बनाया जा रहा है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी। क्यों? क्योंकि इंडिया की ये फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट्स सिटी होगी। जो कोच्चि स्पोर्ट्स सिटी है ना, ये इंडिया की फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट्स सिटी होगी। यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट्स नहीं होंगे। और इसके लिए कितना एरिया इन्होंने चूज करा है? एरिया है 40 एकड़ का एरिया है। कौन से विलेज में है? चिगमानंद विलेज में है, नियर कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोची के अंदर है ये 40 एकड़ का, यहाँ पे इन्होंने प्लॉट लिया है, लैंड है, जो एरिया है इसका 40 एकड़ का है। यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा जिसकी सीटिंग कैपेसिटी होगी 40,000 की। तो इसके लिए जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट है जय शाह, उन्होंने ऑलरेडी इसको अप्रूवल दे दिया है। अब जो केरला क्रिकेट एसोसिएशन है वो इस प्रपोजल को आगे हैंडओवर करेंगे केरला के चीफ मिनिस्टर को, राइट? नेक्स्ट है, विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2024? ऑस्कर 2024 के लिए कौन सी इंडियन डॉक्यूमेंट्री को नॉमिनेट किया गया है? तो आंसर है टू किल अ टाइगर। टू किल अ टाइगर ये एक फादर एंड डॉटर की स्टोरी है, इंडिया के एक विलेज की स्टोरी है। विलेज में एक फादर और डॉटर रहते हैं, तो डॉटर की डेथ हो जाती है और डॉटर को जस्टिस दिलाने के लिए फादर क्या क्या स्ट्रगल कर रहा है, तो उससे रिलेटेड ये पूरी स्टोरी है टू किल अ टाइगर, राइट? नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली अप्रूव स्वीडन्स एंट्री इनटू नाटो? स्वीडन की एंट्री कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अप्रूव करी है? तो आंसर है टर्की। तो यहां पे सॉरी फॉर ऑप्शंस मैंने गलत दे दिए हैं। यहाँ पे स्वीडन तो ये क्वेश्चन में ही है ना, स्वीडन की एंट्री किसने अप्रूव करी है? तो आंसर है टर्की। यहाँ पे आप सही कर लेना, आंसर है टर्की, स्वीडन नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शन जो है जो फोर्थ वाला ये गलत लगा दिया है, आंसर है टर्की। जो टर्की है उसने स्वीडन की एंट्री नाटो में अप्रूव करी है। तो अब ऐसा नहीं है कि जो स्वीडन है अब वो नाटो का मेंबर बन गया है, नहीं, अभी हंगरी की रेटिफिकेशन बाकी है। अगर हंगरी रेटिफाई कर देता है स्वीडन की एंट्री नाटो में, तो जो स्वीडन है वो नाटो का मेंबर बन जाएगा। अब नाटो के बारे में देख लेते हैं, नाटो कब बना था? नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बना था 1949 में, और इसका रिसेंटली 4th ऑफ अप्रैल 2023 को 31st मेंबर कौन सा कंट्री बना है? तो वो है फिनलैंड। हेडक्वार्टर कहाँ है नाटो का? बेल्जियम में, ब्रुसेल्स में। नाटो के सेक्रेटरी का नाम क्या है? जनरल जेंस स्टॉल्टेनबर्ग, राइट? नेक्स्ट, रिसेंटली WHO डिक्लेयर्स विच अफ्रीकन कंट्री एज मलेरिया फ्री? WHO ने कौन सी कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर करा है, कौन सी अफ्रीकन कंट्री को? तो आंसर है केप वर्दे। ये रहा केप वर्दे, यहाँ पे अफ्रीका में, यहाँ पे साइड में एक आइलैंड कंट्री है केप वर्दे, जो कि अभी मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दी गई है बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब केप वर्दे की कैपिटल क्या है? प्रेई। करेंसी क्या है? केप वर्दे स्क्यूडो। और इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जोस मारिया प्रेरा नेव्स। अब ये थर्ड कंट्री है, जो केप वर्दे है ना, ये थर्ड कंट्री है जो कि मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दी गई है। फर्स्ट कौन सी थी? मॉरिशियस, जिसको 1973 में मलेरिया फ्री डिक्लेयर करा था। और सेकंड कंट्री थी अल्जीरिया, जिसको 2019 में मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया था WHO ने। अब थर्ड कंट्री आ गई है हमारी केप वर्दे, राइट? नेक्स्ट है, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट इज। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। ट्राइलेटरल का मतलब तीन कंट्रीज के बीच में है। ट्राइलेटरल मतलब होता है थ्री कंट्रीज, बाइलेटरल मतलब टू कंट्रीज के बीच में है, मल्टीलेटरल मतलब मोर देन टू और थ्री कंट्रीज। तो कौन कौन सी तीन कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है? तो आंसर है इंडिया, फ्रांस एंड UAE के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है 23rd of January को। ये जो है एक्सरसाइज, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। अब नाम पे मत जाना कि एक्सरसाइज डेजर्ट है तो शायद आर्मी की होगी, नहीं, ये किसकी है? ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। इसके अलावा इंडिया और फ्रांस के बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइज हुई है, तीन है, एक है वरुणा, दूसरी है गरुड़ा, तीसरी है शक्ति। वरुणा नेवल एक्सरसाइज है, नेवी की। गरुड़ा ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। शक्ति ये आर्मी एक्सरसाइज है। इंडिया एंड UAE के बीच में डिफेंस एक्सरसाइज जो हुई है, तो एक है एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। इन UAE बायलेटरल, ये नेवल एक्सरसाइज है। बायलेटरल मतलब इंडिया एंड UAE दो कंट्रीज के बीच में हुई है।
तीसरी है डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन ये आर्मी एक्सरसाइज है जो इंडिया एंड यूएई के बीच में हुई है। क्योंकि देखो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गरुड़ा एक्सरसाइज जो है वो कौन सी एक्सरसाइज है, आर्मी, नेवल या एयरफोर्स की है। या क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गरुड़ा एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है, राइट। नेक्स्ट है विच बैंक बिकेम फर्स्ट लैंडर टू इश्यू 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स। रिसेंटली HDFC बैंक ने 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स जो है वो इशू कर दिए हैं। मतलब अभी तक 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स इशू कर चुकी है, तो ये बन गई है नंबर वन बैंक, फर्स्ट लैंडर। फर्स्ट लैंडर मतलब ये पहली ऐसी बैंक है जिन्होंने 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स इशू कर दिए हैं, सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स इशू किए हैं। सेकेंड नंबर आता है SBI का, थर्ड नंबर पे आती है ICICI बैंक, फोर्थ पे आती है एक्सिस बैंक, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।